स्वर्ग कहूं या मध्य महेश्वर, बात एक ही है। मुस्कुराकर आगे बढ़ोगे, मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। मुस्कुराइए, आप मध्य महेश्वर वैली में हैं। हेलो, नमस्ते। आज हम जाने वाले हैं मध्य महेश्वर के ट्रैक के लिए। यह अपना रांसी गांव, यहाँ पे हम लोग ने वैभवी होटल में स्टे करा था। काफ़ी अच्छा था, खाना बहुत बढ़िया खिलाया, भाई ने बहुत प्यार से खिलाया। लेट हो गए, 9:30 बज गए। हमें ऐसे ट्रैक 7 बजे शुरू करने चाहिए, पर होता है, लेट हो जाता है। धूप है, दिन बहुत अच्छा है, बाकी हम आपको आगे दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है चल के, बहुत दिन से साइकिल चला रहे हैं यार, कुछ अलग तो होना चाहिए। प्रणाम। रास्ता यही है मध्य महेश्वर? खड्डू। यहाँ से कुछ बर्फीली पहाड़ियाँ दिखती हुई, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसी एक जगह आएगी, ठीक है, और यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं। और सामने यहाँ पर है गोंडार गांव, जो कि यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक ढलान है और उसके बाद सीधा ऊपर की चढ़ाई है। यहाँ से ऊपर बुग्याल दिख रहा है, पता नहीं ये गोप्रो दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है। तो वहाँ बुग्याल, वहीं जाना है हमें। और यहाँ से मध्य महेश्वर पैदल मार्ग शुरू होता है। ऐसा रास्ता है, आप जानते हैं, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते तो मुझे ऐसे रास्ते कितने पसंद है, फीलिंग आ जाती है ऐसे रास्तों में। सुंदर प्रकृति में ईश्वर का वास होता है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। हर हर महादेव। तो ऐसे विचारों के साथ हमारी यात्रा चल रही है। जब हम रांची से गोंडार गांव की ओर चलते हैं, बीच में एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल आता है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मन था कूदने का, लेकिन पहले इतना लेट हो चुके हैं तो हम चाह नहीं रहे कि लेट होएं। और भी कुछ भाई लोग मिले थे, वो शायद गांजा का सेवन कर रहे थे। ज़्यादातर भाई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं ये भोले का प्रसाद है। एक बाबा ने बताया था कि भांग की पत्तियाँ भगवान को चढ़ती हैं, बस ये भोले का प्रसाद नहीं है। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये नज़ारों का लुत्फ लीजिए, ये बहुत सुंदर ट्रैक है यार। एक ट्रैकर के लिए ना ये जो वेज होते हैं ना, ये हेवन होता है। सबको देनी है यही शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। हमारी संस्कृति ने पेड़ पौधों, नदी पहाड़ों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, कीट पतंगों, ऋतुओं, सबको दिया है आदर सम्मान। कैसे दोस्त, बहुत दूर से आए आपसे मिलने के लिए, कृपा करो मध्यमेश्वर के दर्शन करवा दो अच्छे से। ना कर तू मेरा तुम्हारा, पर्यावरण है हमारा। बस 10 किलोमीटर और है, गोंडार पहुंच गए हम। यहाँ पर अभी भी पठाल वाले घर हैं। पहले हमारा घर भी ऐसा ही था जब मैं छोटा था। तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है यहाँ पे। क्या मस्त जगह है भाई ये गांव। चलो आगे चलते हैं। गोंडार गांव में मिलेगा आपको एक स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र। यहाँ पर भाई लोग बीपी वगैरह की चेकिंग करते हैं, जिससे पता चलता है कि आप इस यात्रा के योग्य हो या नहीं। ये क्या है? ये ORS। ये दे सकते हो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। पीरी में कहाँ से हो आप लोग? अंजनी सैंड में कहाँ से है? नाम बताओ गांव का। खस्तल। आपका? मैं तो बड़ियारगढ़ से हूँ। खस्तल मेरी नानी का गांव है।
हॉस्टल। हाँ, मेरी नानी का गांव पुनानु सुना है? हाँ हाँ। मेरी नानी, वो नाना जी का गांव है मेरे। अरे क्या है वो राणा? गुस्सा ही है वो लोग। नाम क्या उनका? मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं वहाँ पे, पहला ही घर है उनका। और उनके बेटे गाड़ी चलाते हैं एक आर्मी में। अच्छा, वो गुलाब सिंह? हाँ हाँ हाँ, आप जानते हैं उनको? हाँ हाँ, मतलब जो आपकी नानी हो हमारे गांव। हाँ हाँ, वो आपके गांव की है। क्या लगती है वो आपकी? मेरी मतलब बूढ़ी जी बोलते हैं। बूढ़ी जी बोलते हैं भाई साहब, दुनिया बहुत छोटी है। मेरे कोई दूर के रिश्तेदार मिल गए मुझको यहाँ पर। अरे यू कखा कौन भैया? यही कौन है? यख फण वंदू कख भैया? यही कौन बाबा? यख फण। हां सुमे लगा ना? मैं लगा ना। अच्छा, शुद्ध माल है। हां हां बाबा, काजू गोंटी री तेरी जो। हां, तू तुम्हारी क्या? हां गोंदर, बहुत बढ़िया यार। बेड़ा तो चाय पानी पे? ना ना, पानी छने। हां पानी तो भगवान धारा में दे दे। जूस पे? जूस ना वो बनाई हुआ, ग्लूकोज बनाई हुआ। अच्छा, ग्लूकोज बनाई हुआ। मेरा ब्रांसो जूस। ब्रांसो जूस पी रहा है अगला? ना ना, देखा नहीं जा सकता। हैं, रिलैक्स हो, बड़ी बोल रहा। ठीक है, कथा रुपए का? 20 रुपए सही हो गिलास है ना? अभी अगर बड़े हो जाना तो कहीं कुछ मिलनी ही नहीं। तो पूरा बहुत बढ़िया जूस। भाई जी ने दूसरा गिलास दे दिया, मैंने मना करा। तो ये हाँ, ऐसी खातिरदारी होती है, बस आपको प्रेम भाव से रहना है यहाँ पर। आपको यहाँ आदर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और आपको जो खान पान है वो शुद्ध पानी का मिलेगा, बहुत ही स्वादिष्ट। ऐसे ऐसे छोटे और प्यारे दुकानें हैं जहाँ पर सब सुविधाएँ, मैगी जूस सब कुछ मिलेगा आपको। ये है पहाड़, ये है पहाड़ का स्वाद। बड़े बड़े होटलों में कुछ नहीं है, जो है यही है। मुझे अब हल्का हल्का समझ आ रहा है कि मैं ये पंच केदार यात्रा क्यों कर रहा हूँ। शायद मैं इस यात्रा में अपने आप को री इन्वेंट करूँगा। जो ट्रैवल मुझे सिखा रहा है, जो नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और ब्रो भाई बढ़िया। जय शिव शंकर, फुल पावर। अभी इतना अच्छा मूवमेंट हुआ ना मेरा बड़ा जी के साथ, उन्होंने मेरे को जूस पिलाया, और जो वार्तालाप हुई वो एक प्राइसलेस थी, वो एक हार्ट टू हार्ट थी। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं दूसरा केदार मध्यमेश्वर कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा रास्ता है, ट्रैकर्स के लिए हेवन है। सबसे बढ़िया बात, भीड़ तो है नहीं, गंदगी नहीं है, थोड़ी बहुत गंदगी है। और जैसा कि हम क्लीन अप ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो एक हमारी मुहिम है, जो एक हमारा मोटो है, एम है कि हम पंच केदारों में क्लीन अप ड्राइव कराएंगे, तो थोड़ा बहुत क्लीन अप हम रास्ते में भी कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं, लेट हो रहा है। तो नीचे एक पुल है, मज़ा आएगा वहाँ से क्रॉस करने में। ऊपर फिर रास्ता ऐसे ऐसे करके। ये जो सामने दो नदियाँ मिल रही हैं जिसपे पुल बना है, वो है मोरखांदा नदी और दूसरी वाली है मधुगंगा। दोनों नदियाँ मिलकर मधुगंगा ही बनती है। मधुगंगा को हम मध्यमेश्वर गंगा भी कहते हैं। पहाड़ वाड़ की वजह से यहाँ पर एक पुल था, वो टूट चुका है, और ये लोकल से यहाँ पे एक टेम्पररी पुल बनाया है। यहाँ पर एक आदमी एक बार में ही जाएगा। इसमें अगर बंदा गया ना, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये दिलबाग का पैकेट है, बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं। आप करिए सेवन, पर इसका पैकेट प्लीज़ रास्ते में मत फेंकिए, बहुत बुरा लगता है। हम भी पहले फेंकते थे, हमें भी पहले नॉलेज नहीं थी, हमें समझ आ रहा है कि प्रकृति कितना इम्पोर्टेंट है। और बाकी जब से हम चल रहे हैं 6-7 किलोमीटर हो चुके हैं, हमें एक भी डस्टबिन नहीं मिला। तो अगर यहाँ के कोई ऑफिसर देख रहे हैं तो एक आप यहाँ पर डस्टबिन रख सकते हो,
यहाँ थोड़ा और अच्छा होगा, और सफाई साफ ही है, पूरा साफ है, बस थोड़ा बहुत है जो वो भी साफ हो जाएगा। बाकी ये रहे रास्ते, लाइव एग्जांपल मिल गया भाई। ये जो ORS का पैकेट है, नीचे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे देते हैं, किसी ने अभी अभी जाते हुए कराए और फेंक दें यहीं पे, कर दिया काम। स्वाहा। तो थोड़ी सी चढ़ाई है पर ट्रैक बहुत प्यारा है, और यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं नदी के और जो नेचर है, सबसे बढ़िया बात यहाँ पे बहुत शांति है और बहुत कम लोग हैं। केदारनाथ बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, पर लोगों को यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ का भी स्वाद लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है हम प्रकृति में ही हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुस्कुराकर आगे बढ़ोगे, मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक जाना है, पीछे अपना देखेंगे, सफ़र बहुत सुहाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार छोटी छोटी कविताएँ हैं जो मन को छू रही हैं, और कहीं ना कहीं मुस्कान आ रही है। वाह, ये मधुगंगा है। तो भाई साहब बहुत पसीना आ रहा है चल चल के, और जो ये सफ़र है पंचकेदार का, मेरा बहुत वेट लूज़ हो चुका है, मेरी पैंटें ढीली हो गई हैं। सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, जब भीड़ कम होती है तो आप आराम से एक्सप्लोर करते हो, प्रकृति में खो जाते हो और ट्रैवल का लुत्फ़ उठाते हो। तो वही उठा रहे हैं, मध्यमेश्वर जी की कृपा है कि ये ट्रैवल बहुत ही मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से चल रहे हैं पैदल, पसीना आ रहा है क्या है, इसको भी हम एंजॉय कर रहे हैं। गंगाधर आए शिव गंगाधर आए, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधर आए शिव गंगाधर आए, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो मैं एक थोड़ा सा रिस्क लेने वाला हूँ इस यात्रा में, एक सीधा रास्ता जा रहा है और ये छोटा रास्ता दिख रहा है, और मेरे को ये लग रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा, तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मुझे फीलिंग आ रही है ये सही रास्ता है, कभी मेरे साथ गलत हुआ नहीं है अभी तक, और अगर मध्य में ईश्वर की कृपा रही तो मैं सही जाऊंगा। जल्दी आओ, मध्यमेश्वर जी हमें माफ करना, लेकिन मैंने रास्ता शॉर्टकट ढूंढ लिया। मज़ा आ गया यार, तेज चलो भाई, थोड़ा तेज चलो, ठीक है, मटक मटक के चल रहे हो दुल्हनों की तरह, जल्दी जल्दी वीर बढ़ते रहो। मज़ा आया भाई शॉर्टकट में, बहुत मज़ा आया, अपने ब्रह्म राही अपनी राहें ढूंढते हुए। नीचे रखो, नीचे नीचे नहीं, ऐसे नीचे, या तो ऐसे खिलाओ, मुझे ऐसे मज़ा आया। यो ब्रो, अब यार रुकेंगे किधर, बीच में के जाएंगे सीधा ऊपर, सीधा जाएंगे, अभी 3:30 हो गया, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे बहुत आगे चढ़ाई बहुत है इसकी। जी प्रणाम। प्रणाम। ये किरण तुम? हाँ। अच्छा, खूब खूब। क्या मस्त जगह रहते हैं भाई ये लोग, इतनी ऊपर, गाय बैल, छोटे छोटे खेत, ये लाइफ सुनने बहुत मस्त लगती है पर बहुत हार्डवर्क वाली है। वो देखिए सामने होमस्टे। अगर आप ये ट्रैक एक दिन में नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बीच में होमस्टेज मिल जाएंगे। शाम के 5 बज गए लगभग, और चढ़ाई और भी खड़ी है,
मुझे लगता है कि पहुंच जाएंगे, बाकी देखते हैं। सच में चढ़ाई बढ़ने लगी है, लेट भी हो रहा है, लेकिन हमें बस चलते ही जाना है। ज्यादा थकान लगे तो आप नजारों को देखो, जिससे थोड़ी थकान मिट जाती है। ये एक भ्रम है पर ये काम करता है। चढ़ाई खत्म ही नहीं होती। जय बोलेंगे। कितना दूर होगा भाई जी यहाँ से? कितना दूर होगा? अच्छा, तो एक कून चट्टी में है शिखर प्रिंस होटल। कून चट्टी में मिलेगी आपको एक लास्ट दुकान, और अंकल जी ने बताया कि असली चढ़ाई तो अब शुरू होगी। हरण महादेव, कहाँ से हो भाई जी? चलो धीरे धीरे चलो, थोड़ा सा ही अब। सच में खतरनाक चढ़ाई है। अंधेरा, चढ़ाई, थकान, मन टूट सा रहा था। चंदा मामा की रोशनी ने थोड़ा मूड सही कर दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। रे दांगी दा। भोले मध्यमेश्वर जी के दर्शन हो गए। जितनी थकान लगी थी पूरे सफर में, सारी थकान मिट चुकी है। ये फीलिंग मुझे केदारनाथ मंदिर के पास आई थी, और ये फीलिंग अब मुझे यहाँ आ रही है। इतनी कठिन यात्रा है, और जैसे ही आप पहुँचते हो ना मंदिर में, आपके दर्द, दुख, पीड़ा सब कुछ ख़त्म हो जाती है। अब हमें रूम भी ढूंढना है, बाकी हमारा दूसरा केदार भी कम्प्लीट हो गया। हर हर महादेव। सुप्रभात मध्यमेश्वर मंदिर से। मेरी नींद सुबह सुबह खुल गई थी, लेकिन मंदिर है बंद। चलो मैं आपको एक बहुत ही विशेष जगह ले जाता हूँ। उसके लिए हमें 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर आप मध्यमेश्वर में हो तो यहाँ तो आना ही आना है, मतलब ये मस्ट विजिट है। चलिए चलते हैं, आपको जन्नत दिखाता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं बूढ़ा मध्यमेश्वर के पास, जो कि मध्यमेश्वर मंदिर के ऊपर ही है। 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। बहुत ही मज़ा आ रहा है चलने में यहाँ पर, क्योंकि धूप आ रही है बहुत अच्छा, हमें विटामिन डी मिल रहा है। जो भी थकान है वो मिट रही है धूप से। कुछ भाइयों ने बताया कि वहाँ से चौखंबा माउंटेन्स की जो रेंज है, जो वहाँ पे पहाड़ है, वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। चलिए मैं आपको ऊपर से ही नज़ारे दिखाता हूँ। अभी पूरा हमने टॉप भी नहीं करा, यहीं से पहाड़ दिख रहे हैं मस्त एकदम। रुक जाओ, थोड़ा सबर करो, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। चौखंबा और मंदानी के अलावा यहां से केदार पर्वत भी दिखता है, लेकिन बादलों की वजह से हमें वो नहीं दिख पाया। तो अभी मैं बैठा हूँ बूढ़ा मध्यमेश्वर, और ये मध्यमेश्वर के ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर ये जगह है। अगर आप मध्यमेश्वर मंदिर आए
तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ की ऊर्जा ज़रूर महसूस करें। यहाँ पे भोले भोले भगवान जी हैं, उनको प्रणाम कीजिए। यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं, चौखंबा माउंटेंस हैं, मंदानी माउंटेंस हैं, तो उनको ऑब्ज़र्व करिए, प्रकृति के पास आइए और ख़ुद को थोड़ा जानिए। बस जर्नी चालू है, 2 केदार कंप्लीट, 3 टू गो। और जैसा कि पता है आपको, हम स्लो चल रहे हैं, स्लो जर्नी हमारा ये, ऑब्ज़र्व करके चल रहे हैं। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं करना कि भाई इतने दिन में ही करना है। मेरे साथी विजय की भी तारीफ करनी होगी, केदारनाथ में हल्का बीमार पड़ गया था, ठंड लग गई थी इसको, और फिर भी ये धीरे धीरे अपने आप को पुश करके आया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब नीचे चलते हैं, मंदिर खुल गया होगा, बाबा के दर्शन करते हैं, फिर नाश्ता और उसके बाद वापस निकलेंगे रांसी गांव। अच्छे से दर्शन हुए। जब आप मध्यमेश्वर में हो सुबह के टाइम, आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है, तो बाबा के दर्शन हो गए हैं। अब मध्यमेश्वर बाबा को बाई कहने का टाइम आ गया है। मन नहीं कर रहा, यहाँ ये जगह ही इतनी सुंदर है और ऊपर से बाबा भी यहीं पर हैं, तो मन तो नहीं कर रहा जाने का अब। लेकिन हम तीसरे बाबा तुंगनाथ बाबा के पास जाएंगे, जो कि हाईएस्ट शिवा टेम्पल भी होता है। बाकी यहाँ पर मज़ा आया, काफ़ी स्लो है यहाँ पे, काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे, और एक स्लोनेस का, एक नेचर का आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर केदारनाथ की तरह लूटपाट नहीं है। 300 रुपये में आपका रहने का यहाँ पर इंतज़ाम हो जाएगा और 170 रुपये की आपको भरपेट थाली मिलेगी। बहुत ही कम प्राइस है जिस हिसाब से ये, जो इतना रिमोट एरिया, इतना दूर एरिया है। बस अब आधे घंटे में निकल रहे हैं हम खाना खा के यहाँ से, और जाएंगे अपने तीसरे केदार यानी तुंगनाथ में। हमारे साथ बने रहिए, आपको हम जल्द ही मिलते हैं। जय भोले की। रुको, हम कुछ भूल नहीं रहे। जो कूड़ा हमने उठाया है उसको कूड़ेदान में भी डालना है। दूसरा केदार और दूसरा क्लीनअप पूरा हुआ। आई होप हमारा संदेश आपको मिल गया होगा। बाकी आपको जल्द ही मिलते हैं। जय भोले की।